नमस्कार दोस्तों, शिक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्र परीक्षा का रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्र परीक्षा का रिजल्ट है, उस पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों रोका गया है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्र परीक्षा वर्ग एक और वर्ग दो का रिजल्ट, तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा जरूर देखेगा। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार क्यों रोका गया है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक और वर्ग दो का रिजल्ट। क्या कारण है कि अभी तक यह रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ था, लेकिन अभी अगस्त लगभग 5 से 6 महीने इसको कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। पीएबी का जो पहले जो परीक्षा होती थी दोस्तों, 2 या 3 महीने में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अभी इसको 6 माह से भी लगभग 6 माह का समय होने वाला है और अभी तक इसका रिजल्ट जो है वह घोषित नहीं किया गया है। तो आखिरकार क्यों घोषित नहीं किया गया है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्र परीक्षा का रिजल्ट है? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आपने वर्ग एक और वर्ग दो का एग्जाम दिया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं आखिरकार क्यों यह रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह न्यूज़पेपर की कटिंग है और यह न्यूज़पेपर जो है यह दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है जो कि ग्वालियर में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, यह जो न्यूज़ है यह आज की यानी 12 अगस्त की सबसे बड़ी न्यूज़ है शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, जैसे ही आप देख पा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया गया है। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों रोका गया है यह रिजल्ट, इसी के बारे में यह वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो न्यूज़ प्रकाशित की गई है, यह इसमें यही कारण स्पष्ट किया गया है कि आखिर क्यों रोका गया है यह रिजल्ट। तो दोस्तों चलिए और देख लेते हैं न्यूज़ को पढ़ के कि आखिर क्यों रोका गया है रिजल्ट। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, संशय यहाँ पर जो प्रदेश के हजारों आवेदक हैं जो हैं वह गड़बड़ी का यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो दोस्तों आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्यों कि यहाँ पर लगभग 6 माह हो चुके हैं और रिजल्ट यहाँ पर घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों जैसे ही आप देख पा रहे हैं, जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है इसके द्वारा फरवरी से मार्च के बीच आयोजित कराई गई थी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसका रिजल्ट रोकने के कारण से आवेदकों में संशय यह है कि जो बोर्ड के अफसर हैं वह रिजल्ट घोषित करने को लेकर आवेदकों को सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इसके चलते परीक्षा में शामिल हुए आवेदक अब गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, तब तो यहाँ एग्जाम का रिजल्ट है वह घोषित नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों पीएबी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे कॉल करके यहाँ पर बात की जाती है, तो वह केवल उन लोगों को आश्वासन देते हैं कि एग्जाम जल्द ही घोषित किया जाएगा, लेकिन दोस्तों यह अभी तक घोषित नहीं किया जा चुका है। आप देख सकते हैं फरवरी से मार्च में एग्जाम कराया कंडक्ट कराया गया था पीएबी के द्वारा, लेकिन अभी अगस्त का माह स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों 5 से 6 महीने का यह समय बीत चुका है, लेकिन रिजल्ट यहां पर अभी तक घोषित तो नहीं किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप देख पा रहे हैं, इसमें देख लेते हैं कि आखिरकार क्यों अभी तक रिजल्ट जो है वह घोषित नहीं किया गया है। तो ग्वालियर की जो खबर है इसमें लिखा गया है कि अभी तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राइमरी मिडिल और हाई सेकेंडरी स्कूल में संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3 के पद मान जो है वह परीक्षा का आयोजन किया जाता था, लेकिन यह परीक्षा पिछली बार 2011 में आयोजित की गई थी। इसके बाद 8 वर्षों से लंबे इंतजार के बाद आवेदक इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और बोर्ड ने 11 सितंबर 2018 को हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा और 28 सितंबर को मिडिल स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से विज्ञापन जारी किया था। इसमें हाई स्कूल के 17,000 पद और दोस्तों जो कि
1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच इसकी परीक्षा आयोजित कराई गई थी। वहीं मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए 5704 पदों के लिए 16 फरवरी से 10 मार्च के बीच जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया गया था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही पदों की पात्रता परीक्षा में 5 लाख से अधिक आवेदन जो हैं आवेदक हैं भाई शामिल हुए थे। और परीक्षा होने के बाद सभी आवेदक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस परीक्षा का रिजल्ट रोक रखा है। अब 6 माह से अधिक समय बीतने के बाद रिजल्ट जारी ना होने के कारण जितने भी 5 लाख जो आवेदक हैं यह सभी आवेदक इस परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं। कई आवेदकों ने रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर बोर्ड के अफसरों से भी बात की है, लेकिन बोर्ड के अफसर जो हैं वह वैल्यूएशन चलने की बात कहकर इसे रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन देकर वह फोन काट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड के जितने भी अफसर हैं वह सभी को कॉल किया, यानी PAB का जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल करके जो भी आवेदक यह पूछते हैं कि रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों यह से रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स ना होने के कारण अफसर कहते हैं कि अभी वैल्यूएशन चल रहा है जिसके कारण से रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता, और जल्दी जैसे ही काम पूरा होता है तो यह रिजल्ट जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आखिर सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो परमानेंट नौकरी और अच्छा वेतन से सबसे जो कारण माना जा रहा है, सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट कारण यही माना जा रहा है रिजल्ट ना देने का। क्योंकि दोस्तों जितने भी यहाँ पर आप लगभग 17,000 और 5,700 लगभग 6,000 जो आवेदक हैं यह तो क्वालिफाई होंगे, और दोस्तों यह क्वालिफाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस बार शासन निकालेगा जो पद हैं इनको आवेदकों का रुझान इस कारण भी ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों ये पद परमानेंट हैं और इनका वेतन जो है वह संविदा शिक्षकों से कहीं बेहतर है। यानी कि हाई स्कूल शिक्षक पद का संविदा वर्ग 1 के समकक्ष है और वर्ग 1 के सिलेक्टेड आवेदकों को पहले 18 से 21,000 रुपये जो वेतन है वह मिलता था, लेकिन दोस्तों अब यह वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया है 42,000 रुपये कर दिया है। यानी पहले 21,000 के लगभग वेतन मिलता था, लेकिन दोस्तों अब जो सिलेक्टेड जो आवेदक होंगे अब उनको 41,000 रुपये यहाँ पर वेतन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसी के संचलते जो मिडिल स्कूल के पद हैं उनको वर्ग 2 के बराबर वेतन मिलता था, लेकिन पहले इनको 14 से 18,000 रुपये के बीच यहाँ वेतन मिलता था, लेकिन दोस्तों अब इनको भी यहाँ पर 37,000 रुपए के लगभग इनका वेतन कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले कितना 18,000 मिलता था और अब इनको 37,000 रुपए यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन वेतनों में भी कितना सारा डिफरेंस है, कहाँ 21,000 कहाँ 41,000 टोटल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो इनका डिफरेंस 20,000 रुपये इनका डिफरेंस हो गया है। तो दोस्तों देखिए और 18 से 37,000 इनका भी लगभग 20,000 से ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। यानी कि दोस्तों 17,000 और 5,700 जो आवेदक हैं यदि ये सिलेक्ट होते हैं तो इनको वेतन भी दिया जाएगा, वो भी 20,000 रुपये अधिक इनको वेतन देना होगा। पहले 21,000 मिलता था तो अब मिले देना होगा 41,000, पहले 18,000 मिलता था तो आप देने होंगे 37,000। तो दोस्तों सबसे जो ज्यादा प्रमुख कारण है रिजल्ट ना आने का, तो सबसे जो प्रमुख कारण है यही बताया जा रहा है कि जो भी शिक्षक यहाँ पे क्वालिफाई होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, और परमानेंट होते ही उनका जो वेतन है वह इतना पैसा है कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास की अभी फिलहाल कर्जे में चल रही है मध्य प्रदेश सरकार। और यदि यह परमानेंट हो जाते हैं शिक्षक कंप्लीट या परमानेंट या फिर इनको नौकरी रख लिया जाता है तो इनको हर मंथ इतना सारा वेतन कहाँ से और कैसे एडजस्ट करेगी। तो इसी के चलते जो सबसे प्रमुख कारण या सबसे तर्क संगत कारण माना जा रहा है रिजल्ट न आने का, तो सबसे प्रमुख कारण यह है कि परमानेंट नौकरी और अच्छा वेतन देने के कारण यह रिजल्ट अभी रोका गया है, और जल्दी इसकी व्यवस्था होने के बाद यह जो रिजल्ट है भाई आप घोषित कर दिया जाएगा, और आगे की चयन प्रक्रिया है वह जल्दी इसको
आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक और वर्ग दो का रिजल्ट के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।